चीन की बीन बजाना बंद करी। मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के 1962 में हुए चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बोलना चाहिए। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने कब्जा की, ये जमीन अभी भी चीन के कब्जाई हुई है। मणिशंकर अय्यर ने चीन को क्लीन चिट दे दी है, ऐसा क्या राहुल गांधी की सहमति के बिना हो सकता है? चीन की बीन बजाना बंद करिए। गौरव भाटिया ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा बयान दिया कि भारत गर्व के साथ खड़ा होकर चीन को उसकी जगह दिखा रहा है। मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस के भारत विरोधी रुख को दिखाता है। गौरव पल्लव ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर को बहादुर सेनाओं का मनोबल गिराने की अनुमति क्यों दे रही है? क्या पाकिस्तान और चीन को कांग्रेस की ओर से सिग्नल दिया जा रहा है? हालांकि मणिशंकर अय्यर ने 1962 में हुए चीन के आक्रमण के लिए गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मंगलवार को माफी मांगी। मणिशंकर अय्यर ने कहा शाम चीन आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने की मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने बाद में गलती से कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगी है और पार्टी मूल शब्दावली से खुद को अलग करती है।